गहलोनी शिवनगर कॉलोनी की महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें, शौच करने जाती महिलाओं के सामने हो जाता है नग्न, गुप्तांग का करता है प्रदर्शन। शिवपुरी जिले के सिरसोत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम गहलोनी शिवनगर कॉलोनी की सहरिया आदिवासी महिलाओं ने आज एसपी से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि शौच जाते समय गाँव का युवक अश्लील हरकतें करता है और नग्न होकर गुप्तांग भी दिखाता है। वहीं जानकारी के अनुसार सिरसोत थाना क्षेत्र के ग्राम गहलोनी शिवनगर कॉलोनी की एक दर्जन महिलाएं आज एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम गहलोनी शिवनगर कॉलोनी की हम महिलाएं निवासी हैं और हमारे यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। वहीं कई वर्षों से हम खाली पड़ी सरकारी जमीन पर शौच करने के लिए जाते हैं, लेकिन ग्राम गहलोनी के दबंग व्यक्ति गोपाल रावत पुत्र विष्णुलाल रावत शौच जाने के समय वहां पर आकर नग्न होकर अश्लील हरकतें करता है और हमारे सामने कपड़े उतार कर अश्लील प्रदर्शन करता है, अपने गुप्तांग का प्रदर्शन भी करता है। इसलिए हम महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने में असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें डर है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कभी भी हमारे साथ बलात्कार जैसी घटना कर सकता है। महिलाओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिससे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो आप गहलोनी थाना कौन सा? थाना कौन सा है? किस समस्या को लेके आए हैं आज? समस्या लेके आए हैं, दोनों लेके आए हैं। क्या हो गया? हमारे पास क्यों हो गया? हम उस गांव में रहते हैं, ये रावत है, खाली लोच करता है और इसे खाली जमीन और लेट कर जाती है जमीन, उन्हें परेशान करता है, नंगा होकर पड़ता है। मैंने उससे बोला के गाली गलोच मत करे, गाली गलोच करे शाम को 6 बजे तो लट दे। तो जो शौच करने जाती है महिलाएं, सरकारी जमीन है उसकी पर्सनल जमीन है? नहीं, सरकारी सरकारी जमीन। तो कितनी महिलाएं जाती हैं? पूरे गांव, पूरे गांव। तो शौचालय नहीं बने गांव में? शौचालय नहीं बने। तो सरपंच सेक्रेटरी से शौचालय की बोला आपने? कुटीर भी नहीं बनी। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? अकेले के साथ की अभी तो। कौन कौन ने? गोपाल ने और गिरराज ने। कई गाइस हैं? दो बाप बेटा। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं नग्न हो जाता है, नग्न अवस्था में आ जाता है, वो कौन है? वही गोपाल है। नग्न अवस्था में कौन हो जाता है? गिरराज। गोपाल गया था। गोपाल हो जाता है। थाने पे गए थे आप? क्या हुआ? कुछ नहीं।